अस्सलाम वालेकुम जी। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी रेजिस्टेंट हेयर और पोरस हेयर के मुतालिक, हमने बात की थी कलर के मुतालिक, बात की थी कि भी कलर का क्या प्रॉब्लम होता है। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि जो रेजिस्टेंट हेयर है और पोरस हेयर वालों को ब्लो ड्राई स्ट्रेटनर कितना यूज़ करना चाहिए, उसके क्या इफ़ेक्ट हैं। अच्छा जी, जो है रेजिस्टेंट हेयर वाले, उनका तो कह लें थोड़ा बहुत गुजारा हो जाता है, लेकिन अगर वो रेगुलर यूज़र हैं तो आप ये नोट करेंगे कि आपकी ऊपर वाली लेयर जो सी है वो बर्न होनी शुरू हो जाएगी और वो सारे बाल ऐसे ऐसे जले जले से होंगे और फिर वो जलेंगे पहले और उसके बाद वो टूटने शुरू हो जाएंगे। कभी आप एक चीज़, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जो लोग रेगुलर यूज़ करते हैं स्ट्रेटनर, आप उनके बाल ऊपर से आपको बहुत अच्छे लग रहे हैं, आप उनकी कभी ये बैक साइड पे जाके बाल उठा के देखें, इधर से बाल जल गए हैं, टूट गए हैं, क्योंकि जब हम लोग खुद स्ट्रेटनर्स यूज़ करते हैं तो हम इसको खींचते हैं अपनी तरफ, बालों को खींचते हैं, वो बाल हम समझते हैं वो स्ट्रेट हो रहे हैं, बेसिकली हम उनको बर्न कर रहे हैं। एग्जैक्टली स्ट्रेटनर, आप ये इमेजिन कर लें कि आपने अपने आयरन को कॉटन सेटिंग पे रख के और आपने सिल्क के ऊपर रख दिया है, दैट्स इट। सोच लें, अगर आपके सिल्क के कपड़े हैं और आपने आयरन को कॉटन सेटिंग पे करके और आपने सीधी रख दिया, तो जो आपके कपड़ों का हाल होगा वही आपके बालों का हो रहा है, नंबर एक। अच्छा, ये बहुत एहतियात करें, ये चाहे आपके स्ट्रेट रेजिस्टेंट हेयर हैं या पोरस हेयर हैं, डजंट मैटर, ये आप बिल्कुल नहीं करें, नंबर एक। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, जो पोरस हेयर वाले हैं उनके लिए तो आप समझें कि ये पॉइजन है, हीट वाली कोई चीज़ भी पॉइजन है। उनके लिए ये मैं कहूँगी कि वो कोशिश ये करें कि चलो कभी ओकेजनली आपने किसी फंक्शन पे जाना है तो आप ब्लो ड्राई करवा लें। ये एडवाइस करूँगी कि ब्लो ड्राई करवाएं, लेकिन कभी भी स्ट्रेटनर से बाल ना करवाएं, क्योंकि आपके बाल फौरन जल जाएंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी इतने नाजुक बाल हैं, इतने उनमें जान नहीं है कि वो ये चीज़ बर्दाश्त कर सकें। जिन लोगों के पोरस हेयर हैं उनके लिए मैं ये एडवाइस करूँगी, वो ट्राई करें कि वो जितना भी अवॉइड कर सकें हीट वाली चीज़ों से, स्ट्रेटनर से, ब्लो ड्राई से, वॉन्ड से, टोंग से, आप वो किसी भी चीज़ से आप उसको अवॉइड करें, अपने बालों को ना लगाएं, आपके बाल फौरन बर्न हो जाएंगे। विद इन 2-3 दफ़ा आप वो इस्तेमाल करेंगे और आपके बाल, आप खुद देखेंगे, आप मैनेज नहीं कर सकेंगे और फिर बाल टूटने लग जाते हैं, जिस पे हम लोगों को मोस्ट ऑफ जो होते हैं कई दफ़ा हेयर ड्रेसर वगैरह जो सी होती हैं, हेयर स्टाइलिस्ट, वो आपको ये नहीं बताती कि इससे क्या फ़र्क है। पूरी डिटेल से आपको जब हम ब्लो ड्राई और स्ट्रेटनर वगैरह के टॉपिक डिस्कस करेंगे तो उसके ऊपर मैं आपको प्रॉपर बताऊंगी कि आप लोग इसको कैसे इस्तेमाल करें और अगर करना भी है तो क्या इस्तेमाल करें और क्या इस्तेमाल ना करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें। थैंक यू वेरी मच।